यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जनपद लखनऊ में स्वेटर की डिमांड भेजी गई थी, क्रय आदेश जारी हुआ था 1,90,488 बच्चों को विदित किए जाने के लिए। इस संबंध में क्रय आदेश के सापेक्ष 100% आपूर्ति हो गई है और वितरण का भी कार्य 95% से अब हो गया है। अब ये हो सकता है कि किसी विद्यालय विशेष में कोई अभिभावक ना गए हों, क्योंकि स्वेटर का वितरण अभिभावकों के माध्यम से बच्चों किया जा रहा है, तो वही हो सकते हैं। सामान्यतः विद्यालयों में स्वेटर का वितरण कार्य हो गया है, कुछ ही अवशेष ये माना जा सकता है जहां अभिभावक ना पहुंच पाए हों। सर, स्कूलों तक ही नहीं पहुंचे स्वेटर, कई स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल तक ही स्वेटर नहीं पहुंचा, तो अभिभावक चक्कर लगा रहे होंगे, कैसे मिलेगा? देखिए, इस संबंध में हम खंड स्तर की बात करेंगे कि कौन सा ऐसा विद्यालय है जहां नहीं पहुंचे। वैसे तो ये रिपोर्ट आ रही है कि वितरण का कार्य बहुत तेज गति से हुआ है, कहीं ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। बिल्कुल, जाँच कराएंगे और सभी खंड स्तर अधिकारियों से अभी हम बात कर लेंगे, फोन पर दूरभाष पर बात कर लेंगे कि वितरण में कहां किस स्कूल में नहीं पहुंचा है। हम इस समय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जियामऊ के पास मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर है ये विद्यालय, लेकिन यहाँ के हालात भी वैसे ही जैसे बाकी जगह। यहाँ पर भी अभी बच्चों को स्वेटर का इंतजार है और आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर कुछ अभिभावक जो हैं वो यही पता करने के लिए स्कूल आए भी हुए हैं कि आखिर उनके बच्चों को स्वेटर कब मिलेंगे, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हीं से बात करते हैं सीधे। क्या नाम है आपका? मीना। आपके बच्चे यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 5 में पढ़ता है, 4 में, 3 में। आज यहाँ पर किस लिए आप आए? स्वेटर के लिए आए थे, सर्दी ज्यादा पड़ने लगी है, स्वेटर अभी मिला नहीं है, बच्चे ठंडी में ठंडाते ज्यादा है। क्या बताया गया? बताया गया कि मिल जाएगा स्वेटर, टाइम है अभी। आपका नाम? आचल। आपके बच्चे कौन सी क्लास में? 5 में, 8 में। आप किस लिए, आपने भी पता किया स्वेटर का, कुछ बताया गया? नहीं, बोल रहे हैं कि आ जाएगा, कॉप किताब दे दिए हैं, कॉप पेमेंट महीना टू महीना आता नहीं है, तो कॉपी जब सरकार दे दे थोड़ा तो अच्छा रहेगा बच्चों को पढ़ने में। स्वेटर के बिना दिक्कत होने लगी? हाँ, ठंड पड़ रही है तो स्वेटर के बिना तो दिक्कत हो ही रही है। आपका नाम? तारावती। तारा जी, आपके बबच्चे कौन सी क्लास? एक लड़का है 4 में, एक लड़की है 5 में। आप क्या कहना चाहेंगे, स्वेटर अभी तक नहीं? हाँ, स्वेटर अभी ठंडी हो पड़ने लगे, अभी स्वेटर अभी तक मिले नहीं है, और कहती हैं मिलेंगे, मुला भाई आए नहीं हैं। दिक्कत हो रही है? दिक्कत है, ठंडी पड़ने लगी, बच्चों को जाड़ा तो लगते है, स्कूल में रहे पढ़ने। तो यहाँ पर भी वही नज़ारा है, स्वेटर नहीं मिले हैं, अभिभावक स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं, पता कर रहे हैं टीचर से, और टीचर्स के पास भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि जब तक उन तक स्वेटर नहीं पहुँचेंगे वो आखिर अभिभावकों को बच्चों को वो बांटेंगे कैसे। देखना होगा कि ये स्वेटर सर्दी में बांटेंगे या फिर गर्मियों में। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।